28 सीटों के परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बीजेपी ने सदन में बहुमत के लिए जो एक मैजिक नंबर होता है, जो एक आंकड़ा होता है, उसे छू लिया है। यानी ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने अपने दम पर सदन में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। यानी इस बात के साफ संकेत है कि अब अगर बीजेपी को दूसरे दल के, हम कहें छोटे दल के निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन अगर नहीं भी मिलता है, तो भी कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी ने अपने दम पर ये बहुमत का आंकड़ा छू लिया है, कांग्रेस को पछाड़ दिया है और बीजेपी अब उस मैजिक नंबर से भी आगे निकल गई है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से फिलहाल एक सीट रिक्त है और हाल ही में दमोह से राहुल सिंह लोधी के पार्टी छोड़ने के बाद एक सीट रिक्त हुई। 229 सीटों पर अब जाहिर है कि सेट कैपेसिटी है, लेकिन अब 115 जो मैजिक नंबर है उससे आगे बीजेपी निकल गई है। हम रुक करेंगे इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। शरद जी क्या कहेंगे, बहुमत तो बीजेपी ने प्राप्त कर लिया है? निश्चित तौर पर दीपक, और ये एक बहुत ही जबरदस्त फिगर है, एक ऐसा फिगर है जिसके लिए कोई भी पार्टी जो सत्ता में अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करना चाहती है, वो इस फिगर के लिए बिल्कुल बेचैन और बेकरार रहती है। और इस फिगर से बहुत नैरो मार्जिन रहा था बीजेपी का 2018 में, और जिसकी कीमत चुकाते हुए उसे करीब करीब 15 महीने सत्ता से दूर रहना पड़ा। लेकिन ये ज्यादा इंतजार नहीं रहा और मार्च में जो घटनाक्रम हुआ, लेकिन वो इस मायने में पूरा नहीं था क्योंकि वो मैजिकल फिगर, प्रूवन मैजिकल फिगर नहीं था और अपनी दम पर वो एक मैजिकल फिगर नहीं था। और यहां तो जिसको कहता है कि जितना चाहती थी बीजेपी उससे अधिक छप्पर फाड़ के मिल रहा है। बिल्कुल, आपको 8 की जरूरत थी, 107 का फिगर आपके पास था और 115 का आंकड़ा जो है वो बहुमत का आंकड़ा है सदन में। 229 सीटों को अगर अभी हम देखें तो उस हिसाब से 7 सीटें और चाहिए थी, 8 सीटें करीब करीब, तो वो हासिल करके अब बीजेपी और आगे की तरफ बढ़ चली है। और निश्चित तौर पर ये बीजेपी को एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास, इससे एक बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी और उन परिस्थितियों में जिनमें वो रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि जब आप समाजवादी पार्टी, बीएसपी या अदर्स पर डिपेंड करते हैं तो कई बार उनकी कुछ ऐसी मांगे होती हैं जिनको हमने कांग्रेस रिजिम में देखा कि वो बहुत भारी भी पड़ती हैं, बहुत मुश्किल भी पड़ती हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अंक और अब बीजेपी निश्चिंत होकर अगले 3 साल एक अपने दम पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी नीतियों पर, अपनी पॉलिसी पर जनता के बीच में जाके 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिर खम ठोक कर मैदान में उतरेगी।